संजय लीला भंसाली की बहुचर्चित फिल्म पद्मावती का ट्रेलर आ चुका है और जल्द ही फिल्म रिलीज होने वाली है। लगातार फिल्म का विरोध भी हो रहा है क्योंकि मामला भारत के गौरवपूर्ण इतिहास से जुड़ा है, इसलिए कई लोगों को इतिहास से छेड़छाड़ कर उसे शर्मसार करने का भी डर सता रहा है। मगर भारत की संस्कृति और हमारा गौरवान्वित इतिहास सही रूप में हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुँचे, इसीलिए हम पद्मावती के मुख्य किरदारों और उनसे जुड़े इतिहास पर जीवन मंत्र जूनियर में एक सीरीज चला रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे संस्कृति और इतिहास के सही पहलू को जान पाए और उनका सम्मान करें। इससे पहले हम आपको पद्मावती के बारे में विस्तार से बता चुके हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं चित्तौड़ की शान रावल रतन सिंह जी के बारे में कि वे कौन थे और चित्तौड़ में खिलजी की इतनी रुचि क्यों थी। आइए जानते हैं कौन थे रावल रतन सिंह जी। रावल रतन सिंह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा थे जो गुहिल वंश की रावल शाखा से ताल्लुक रखते थे। वे अपनी शाखा के अंतिम शासक थे। रतन सिंह को दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उनका साम्राज्य खत्म हो गया था। रावल रतन सिंह जी का विवाह रानी पद्मिनी से हुआ था जो अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थी। रानी पद्मिनी राजस्थान मालवा क्षेत्र के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की अद्वितीय सुंदर पुत्री थी। रावल रतन सिंह जी की पद्मावती से शादी, ऐसा कहा जाता है कि रतन सिंह ने एक स्वयंवर में रानी पद्मिनी से शादी की थी। अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच टकराव की भी कई कहानियां मिलती हैं। एक कहानी के मुताबिक सुल्तान ने राजा को बंदी बना लिया था, बाद में राजा के लड़ाकों गौरा और बादल ने उन्हें आजाद कराया, जिनके बारे में राजस्थान में अनेक लोक गीत प्रचलित हैं। ये भी कहानी प्रचलित है कि सुल्तान ने किले पर हमला किया, वो भीतर तो दाखिल नहीं हो सका लेकिन बाहर कब्जा जमाए रखा। रतन सिंह ने अपनी सेना को अंतिम सांस तक लड़ने को कहा। जब सुल्तान ने राजपूत राजा को हराया तो उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने अपमान से बचने के लिए जौहर कर लिया। क्या कहता है इतिहास, अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच जो टकराव था वो सिर्फ पद्मावती के लिए नहीं बल्कि सत्ता का भी संघर्ष था, जिसकी शुरुआत मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच साल 1191 में होती है। तुर्कों और राजपूतों के बीच टकराव के बाद दिल्ली के शासकों और राजपूतों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। दरअसल संघर्ष पहले से चल रहा था और फिर खिलजी आया, जिसका कार्यकाल 1290 के 1320 के बीच रहा, मगर खिलजी इन सब में सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी था। चित्तौड़ के बारे में साल 1310 का जिक्र फारसी दस्तावेजों में मिलता है, जिनमें साफ इशारा मिलता है कि खिलजी को ताकत चाहिए थी और चित्तौड़ पर हमला राजनीतिक कारणों से भी किया था, इसलिए उसने पहले 1301 में रणथंबोर पर हमला किया और फिर 1303 में चित्तौड़ पर। आमिर खुसरो समकालीन माने जाते हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में पद्मावती का जिक्र नहीं किया है, इसलिए कई लोगों ने मान लिया कि पद्मावती थी ही नहीं, मगर ऐसा नहीं है। चित्तौड़गढ़ में उनके दाह के प्रमाण मौजूद हैं। क्यों थी दिल्ली शासकों की चित्तौड़ में इतनी रुचि? दिल्ली शासकों की चित्तौड़ में इतनी दिलचस्पी इसलिए थी क्योंकि उस समय में उनके खिलाफ कोई खड़े होने की क्षमता रखते थे तो वे राजस्थान के राजपूत ही थे, साथ ही गुजरात जाने के लिए भी यही रास्ता था। जंग में जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को बंदी बनाया या मारा ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन ये दस्तावेजों में है कि 26 अगस्त 1303 को उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। एक तरफ ये हुआ और दूसरी तरफ जौहर। लोग कहते हैं कि पद्मिनी कल्पना भी हो सकती है, लेकिन पद्मिनी का महल हो या जौहर कुंड उनकी मौजूदगी की पुष्टि करते से दिखाई देते हैं। राजा रतन सिंह की कहानी खजाइन उल फुतुह में मिलती है, जिसे तारीख इलाही से लिया गया है, जबकि जायसी के पद्मावत से कहानी एक नया एंगल मिलता है। चित्तौड़ बना था खेजराबाद, कहा जाता है कि 7 महीने तक जंग चली, रतन सिंह आखिर तक लड़े और उन्होंने साल 1302 में पद संभाला था। उसके तुरंत बाद उन्हें सल्तनत की चुनौती का सामना करना पड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि मुस्लिम शासकों ने जंग के दौरान कई मंदिर बर्बाद किए और इसका नाम बदल कर खेजराबाद किया गया। उसके बाद सन 1325 में यहां तुगलक आए, मगर मेवाड़ में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी।